Assalamu alaikum, my YouTube family. I hope you all are fine and doing well. Welcome back to HST Vlogs. आज के व्लॉग में है टू प्रोडक्ट्स का रिव्यू कि मैंने ओरिफ्लेम से टू प्रोडक्ट्स ऑर्डर की थी जो मुझे अपना पार्सल है वो रिसीव हो चुका है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों ना इसको शेयर करूं और इसका रिव्यू भी शेयर करूं। इसी के साथ साथ आपने मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करना है और इसी के अंदर इसकी एप्लीकेशन भी है कि हमने इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या मेथड है, सब क्या प्रोसेस है, तो आपने मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको इनका प्रोसेस पता चल सके, इनका मेथड पता चल सके। तो जी मैंने इनके टू स्क्रब ऑर्डर किए हैं। फर्स्ट स्क्रब है बॉडी एंड फेस स्क्रब, ठीक है, इनका हनी मिल्क गोल्ड जो सबसे अच्छा स्क्रब जा रहा है, एक मैंने ये ऑर्डर किया है और इसी के साथ एक लिप स्क्रब ऑर्डर किया है। तो जी आप सबको नज़र आ रहा है कि मैं अपनी पैकिंग को ओपन कर रही हूँ, अपने सॉरी पार्सल को ओपन कर रही हूँ। तो जी ये मेरा पार्सल ओपन हो चुका है, इसी के साथ अब मैं अपने प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए पैकेट की ओपनिंग कर रही हूँ। तो जी ये मेरी फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो ये है मिल्क हनी इन गोल्ड स्क्रब इनका, और इसके रिव्यूज़ मैंने बहुत सुने हैं कि ये बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मंगवाऊँ और मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ इनका ऑनेस्ट रिव्यूज़ शेयर करूँ कि इसकी रिव्यूज़ कैसे हैं, इसका रिज़ल्ट कैसा है। और इसके साथ ही मैंने इनका लिप मास्क एंड स्क्रब मंगवाया, ये बहुत ही क्यूट सी पैकेट में था, तो ये देखें कितनी क्यूट सी इसकी वो छोटी सी ट्यूब है। तो अब आपके सामने मेरे दोनों प्रोडक्ट्स हैं, देख लें। तो अब इसके साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसके प्रॉपर मेथड बताऊंगी। तो जो चलते हैं मेथड की तरफ, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में जो है इसका लिप स्क्रब का मेथड बताऊंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने लिप्स को वेट कर लेना है किसी टिशू या कॉटन से, मतलब उनको डिप करके रख लेना है और उसके बाद उस टिशू से या फिर कॉटन से आप अपने लिप्स को वेट कर लेना है अच्छी तरह से। और उसके बाद आपने अपना लिप्स मास्क लेना है, और लिप मास्क की आपने क्वांटिटी इतनी कम रखनी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना, आपने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना, जैसे कि मैं इस वीडियो में ले रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मास्क की बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी ली है, और आपने इनको इस मास्क को अपने लिप्स के ऊपर जो है ना अप्लाई कर लेना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे थोड़ा सा आपको गर्म फील होगा, फिर इससे ये होगा कि हमारी पिगमेंटेशन और ये जो हमारी डिस्कलरेशन जो होती हैं लिप्स की उसको ख़त्म करने में ये हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा, तो देख सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको 5 मिनट तक स्क्रबिंग करते रहना है अपने लिप्स पे, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड्स के साथ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप करें, नॉर्मल और प्रेशर के साथ। तो इसके साथ देखें कि मैं कर चुकी हूँ अपनी स्क्रबिंग कम्प्लीट। तो इसके बाद अब जो है मैं अपना टिशू से जो है ना वो स्क्रब को सारा उतार रही हूँ, देखें कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है, आप लोगों के बिल्कुल सामने है लाइव। मुझे इसका रिजल्ट अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूँ इसका रिव्यू, ताकि वो भी इन प्रोडक्ट्स से फ़ायदा उठा सकें। और इसको अप्लाई करने के रिमूव कर लेने के बाद आपने कोई सा भी मॉइस्चराइज़र, लिप मॉइस्चराइज़र आपने लगा लेना है, लिप बाम लगा लेनी है। यहाँ पे मैं निविया की लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सी भी जो आपके घर में अवेलेबल है या आपको जो पसंद है तो आप वो लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट। ओके जी, तो अब मैं आपको इनका मिल्क हनी स्क्रब लगाने का मेथड बताऊंगी। सबसे पहले मैं अपने स्क्रब को ओपन कर रही हूँ, उसकी सील खोल रही हूँ। इसको सील खोलने के बाद इसकी भी मैं बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, और अपने फेस को पूरा आपने वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपने इसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपने मसाज करनी है थोड़ी देर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी भी क्वांटिटी थोड़ी सी ही ली है,
और इसको मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी और थोड़ी देर मसाज करके अपना फेस जो है ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी। यकीन करें कि मैंने जब फेस वॉश किया इतना सॉफ्ट और ज़बरदस्त स्किन हो रही थी कि मुझे सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करूं। इसके रिव्यूज़ बेस्ट हैं। तो उम्मीद करती हूं कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना सब ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।